बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूं रवि शर्मा। इस समय हम नेशनल हाईवे पे मौजूद हैं। दिग्याना के लोगों ने नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पे लोगों को बिजली की समस्या जो है वो आनी शुरू हो गई है। इसीलिए अब यहाँ पर ये कह दिया गया है कि बिजली जब तक नहीं आती तब तक यहाँ से उठने वाले हम नहीं हैं। जी हाँ, इस समय जो आप ये लाइव विजुअल देख रहे हैं ये दिग्याना के हैं। एक साइड आपको बता दें कि रोड बिल्कुल सही सलामत चल रही है, पर अगर मैं दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है, यानी कि अब किसी को भी यहाँ पे आने जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। रोड पर लेट लिया गया है, रोड बंद कर दी गई है और ये कहा जा रहा है। क्या हो गया, कितने बजे की लाइट बंद है? मैडम जी, हम बिल दे रहे हैं, लाइट का बिल दे रहे हैं, जितना मांगते दे रहे हैं। हमने कभी किसी ने पूछा कि जुलन का क्या रेट है, पर हमें भी अगर बिजली नहीं मिले हमें प्राइवेट से क्या मतलब है, हमें आर्मी से क्या मतलब है, हमें लाइनमैन से क्या मतलब है, मीटर से क्या मतलब है, हमें लाइट चाहिए, हमें लाइट दो। कितने बजे से लाइट गई है? मेरी लाइट नहीं गई, मैं सोच रहा हूँ चार बजे मेरी लाइट नहीं गई, और जिसकी लाइट गई उसको लाइट चाहिए, वो बिल दे रहा है। इसका मतलब ये कि जो बिल दे रहा है उसको लाइट चाहिए। लाइट क्यों बंद है? लाइट क्यों बंद है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम अगर 5 रुपये जुड़ने दे रहे हैं, 10 रुपये जुड़ने दे रहे हैं, 2 रुपया, हमने कभी किसी से पूछा? हमें लगा जे एंड के वाले को कभी नहीं पता होगा कि जुड़ क्या है। हमें कोई बिजली का मतलब नहीं है, हमें बिजली चाहिए, रेट क्या, हमने कभी कुछ दुकान से पूछा ही नहीं। सिर्फ मतलब है तो बिजली से कि लाइट आनी चाहिए, पर अभी तक आपको बता दें कई लोगों के घरों में आज भी है। यहाँ से आपको दिखाने का पहले एक बार प्रयास कर देती हूँ। यहाँ से अगर आपको आगे दिखाएं, दिग्याना पुली है और वहाँ पे पुलिस पोस्ट भी है। सोचिए कि पुलिस का जो इलाका है यानी कि पुलिस पोस्ट जो है उसमें भी लाइट नहीं है। ये पूरा दिग्याना यहाँ से शुरुआत होती है, पूरा दिग्याना बिना बिजली के बैठा हुआ है। आगे मैं बताने की कोशिश करूँ तो गंग्याल की ओर, तो गंग्याल भी सब यही बात करते हुए जा रहे हैं कि यहाँ पर बिजली बंद है। देखिए पुलिस की प्रोटेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, टुकड़ियाँ जो हैं वो भी बढ़ रही हैं ताकि यहाँ से लोगों को हटाया जा सके। पर अब आपको बताने के प्रयास करें कितनी देर से लाइट बंद है? पिछले 3 दिन से, 3 दिन से, 3 दिन से लगातार लाइट बंद है। और एक ही मुद्दे को लेकर हम लोग बार बार सड़कों पर नहीं आ सकते, बार बार सड़कों पर नहीं आ सकते एक ही मुद्दे को लेकर। और दिग्याना के लोग बार बार, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, हम लोगों को लड़के यहाँ पर काम करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर रिटेलिएशन फोर्स भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। अब कोई तरीका है एडमिनिस्ट्रेशन का लोगों से डील करने का? इस तरह से डील होते लोग सारे? दिग्याना एकता जिंदाबाद, दिग्याना एकता जिंदाबाद। क्या वजह है, क्यों बिजली आपके वहां पर बंद कराई गई है? यानी कि कल भी अगर बात की जाए तो कल आर्मी आ गई थी लोगों की मदद करने के लिए। कल सारे एरियाज में बाकी की लाइट आ गई है, ठीक है, रिहाड़ी, संजय नगर, गांधी नगर, शास्त्री नगर, नानागढ़, सब में लाइट आ रही है। दिग्याना में हमारे आई जी 2 मिनट के लिए बंद, क्यों बंद, क्यों बंद है? वो हमने कोई पाप की है? हम बिल नहीं देते हैं यहाँ पे? कितनी परेशानियां बढ़ रही हैं बिजली ना आने की वजह से? देखिए जम्मू कश्मीर में अगर किसी चीज़ का कोई भी हक लेना हो तो मैं चाहता हूं कि आम आदमी, आम जनता को परेशान ना करना चाहिए। आम जनता जो है वो काफ़ी मुसीबत में है। आगे ही हर एक जो भी एरिया, जो भी अपना सिस्टम है, हर एक चीज़ को लेके। लेकिन अगर आपको पता कि सर्दी यहाँ पे पीक पे है तो मैं चाहता हूँ जो है हमारे जो पीडीटी के हमारे भाई, हम उनका अपना समझते हैं, उन वहाँ पर उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे जितनी बिजली है उनको देनी चाहिए, चाहे आप पार्ट बाई पार्ट दें,
चाहे जिस तरीके से मर्जी दे, लेकिन आपको वो देखना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग माताएं बच्चे पढ़ाई के लिए चाहे बीमार हैं किसी तरीके से, लेकिन उनको जो है उनको सुविधा देनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से जो है पब्लिक को आपको साथ करना चाहिए, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि आप जो बॉर्डर पर लड़ने वाले हमारे वीर जवान जो हमारे फौजी हैं उनको आप जो है बिजली के हवाले कर, ऐसी चीज हमें अच्छी नहीं लगती। अगर आपको साथ चाहिए तो आपको प्रॉपर देना चाहिए। कल आर्मी सामने आई थी, ऐसा लग रहा था कि आम जनता के अच्छे दिन आ गए हैं, लाइट चली है, घर में पहुंच जाएगी, पर लग रहा है कि कुछ कुछ जगहों पर आप कई लोगों के घर पे पहुंची ही नहीं। देखिए पहले तो आज के दिन में अच्छे दिन तो आए नहीं, काम कर रहे हैं। हम आम जनता कहाँ पे जाएंगे? हम जनता बड़ी परेशान है, देखो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, छोटे बच्चे भी, हमें लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें लगता है कि एलजी सरकार तो बिल्कुल फेल है, बिल्कुल टोटली फेल है। बीजेपी सरकार और एलजी सरकार बिल्कुल टोटली फेल है। देखिए कहाँ जाएंगे बच्चे? सारे जेड़े दिहाड़ी लाते पे वो भी काम सारे बंद ने, बिजली कारण आना फेल हो गया, काम जो बेकार ही हो गए सारे ही, फेल गए सारे काम, सारे ठप हो गए। जो गरीब बंदा कितू रोटी खाएगा, कितू खानी उन्हें, कितू खा सकता कोई, निके निके बच्चों ने मेहनत कर दी है, कोई नहीं है, ना पानी है ना बिजली हो कम चलेगा, जो बिजली बंद हो कम नहीं चलेगा, सारे काम ठप ने जिन्हें हैं पे दे शौचालय यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए लोगों को यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जा रहा है। ये कह दिया जा रहा है कि हम लोग परेशान हैं, गाड़ियाँ देख लीजिए, कोई भी यहाँ से जो है जा नहीं पाएगा क्योंकि हमने यहाँ से इस चीज़ की मनाही कर दी है। सोचिए कि ये रोड है यहाँ से जाने के लिए, पर अब जाने का इस्तेमाल जो है गाड़ियाँ उस साइड से कर रही हैं जहाँ से गाड़ी की वापसी है। और आपको बता दें डिग्याना के लोगों ने लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आते हैं, ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि अब अगर हमें पानी चाहिए तब भी हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, हमें रोड चाहिए तब भी सड़कों पर आना पड़ेगा, आज हमें बिजली चाहिए तब भी हमें सड़कों पर ही आना पड़ेगा। शायद डिग्याना के लोगों की ये किस्मत सी बन गई है। ऐसा नहीं लगता दीपक जी कि डिग्याना के लोगों की किस्मत बन गई है कि सड़कों पर आएंगे तो सब कुछ होगा? नहीं तो नहीं, पिछले आधे घंटे से सड़क बंद है, कोई नहीं आ रहा है। पिछले आधे घंटे से हम लोग कर रहे हैं ना आपके सामने, कोई यहाँ पर प्रशासन का अधिकारी दिखे, लाइट के लिए कर रहे हैं ना आंदोलन, कोई और विषय नहीं है हमारा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन को आवाह करिए कि ये तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द राइट वे टू डील विद द पीपल। क्या लगता है कौन सा ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे बात हो सकती है, संभाला जा सकता है इस परेशानी को? जो भी बिजली विभाग के लोगों की मांगे हैं एक टेबल में बैठ के उच्च चीफ सेक्टर लेवल की मीटिंग की जाए इसमें, ताकि उनके ग्रीवेंसेस भी जो है वो रिजॉल्व हों, उसके अतिरिक्त कोई बात नहीं। और बिजली डिग्याना में छोड़ कब तक ऐसा ही रहेगा मैडम? जब तक हमें बिजली नहीं मिलेगा, अगर आर्मी स्ट्राइक भी चले जाए तो क्या लाइनमैन को यह बॉर्डर पर झड़े छोड़ेंगे? अगर बिजली वाले आज स्ट्राइक पे है तो आर्मी आ गई है, अगर कल को आर्मी या पुलिस स्ट्राइक भी चले जाए तो यह बॉर्डर पर किसको भेजेंगे? आर्मी वालों को या लाइनमैन को या PHD को, PHAL को, PWD को, किसको भेजेंगे? आज तो आर्मी है तालों से चल रही है ना, ज्यादा दिल के तो आर्मी भेज दो, पुलिस भेज दो। अगर कल को कोई आर्मी डिपार्टमेंट आ गई, आर्मी या पुलिस स्ट्राइक पे आ गई, तो ये PHE वाले को भेजेंगे बॉर्डर पे, PWD को या किसी और डिपार्टमेंट को भेजेंगे, रोड वाले को भेजेंगे, R&B वाले को भेजेंगे, किसको भेजेंगे? ये तो तलाशाही है कि हर जगह आर्मी लगाओ, आर्मी की लोग इज्जत करते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं आर्मी को, अच्छी बात है आप आर्मी को भेज रहे हो, पर आर्मी बिजली लगाने के लिए नहीं है, हमारी कुंडियाँ काटने के लिए नहीं है, हमारी कुंडियाँ लगाने के लिए नहीं है, हमारी मिलिट्री के लिए आर्मी नहीं है, आर्मी है बॉर्डर के लिए। अगर कल को आर्मी या पुलिस स्ट्राइक पे आ जाए, ये हमारे पुलिस वाले खड़े हैं, हम उनको सूट करते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस भी सस्ते चलाते हैं, हमारा बिल्कुल लॉ ऑर्डर चलाते हैं, अगर ये स्ट्राइक पर चले जाए तो इनकी जगह को कौन भेजोगे? ऐसा ऐसा ब्लैकआउट होता हुआ नजर आ रहा है पूरा जम्मू का इलाका। और इस समय आपको बता दें कि ये परेशानियाँ
इस आम जनता के लिए बढ़ती हुई ही नजर आ रही है, कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये बात कह दी गई है कि अगर बिजली नहीं मिलती है तो यहाँ ध्यान नहीं जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जाया जाएगा, यहीं पर ही बैठा जाएगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये देख लीजिए, ये डिग्याना के लोग हैं, ये सिर्फ मंजर सिर्फ डिग्याना का नहीं है बल्कि डिग्याना से आगे आप चलते जाइए, चाहे गंग्याल हो, फिर यहाँ से वापस आ जाइए तो फिर आपको वेयर हाउस लेके चलिए या कहीं भी लेके जाइएगा तो आपको एक ही चीज नजर आएगी कि लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं इसी चीज को लेकर कि आखिरकार परेशानियां बढ़ रही हैं बिजली ना होने की वजह से, क्योंकि अगर बिजली नहीं आई तो सोचिए कि आने वाले समय में पानी का भी परेशानियां जो है वो बढ़ जाएंगी और क्या उस परेशानियों को लेकर कुछ भी होगा। समस्याएं कई हैं पर समस्याओं का निवारण जो है वो कहें तो नहीं मिल रहा है, समस्या एक नहीं समस्या काफी है, लगातार हम बताने के प्रयास कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत भी हो रही है पर ये बात सुरेंद्र चौधरी द्वारा भी कही गई है कि डिफकॉम मीटिंग से कुछ होने वाला नहीं है, अब करनी पड़ेगी तो ज्यादा मीटिंग करनी पड़ेगी और अगर उस मीटिंग का कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता तो और मीटिंग करिए पर उस पर बातचीत करते रहिए। और यहाँ पर अगर आपको बताने की कोशिश करें तो किसी भी चीज़ का ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है, जिसका वजह ये हो रही है कि परेशानियाँ आम जनता की वो जरूर बढ़ रही हैं। इस समय भी अगर आपको दिखाने का प्रयास करें तो ये डिग्याना का इलाका बार बार लगातार कर रहा है परिवर्तन की टीम कि आपको बताएं कि किस तरह से परेशानियां यहां के लोगों के लिए बढ़ रही हैं। अब आखिरकार और कोई ऑप्शन बचा नहीं है तो चलिए रोड ब्लॉक किया जाए, रोड ब्लॉक करके ही शायद आम जनता की आवाज़ को अगर सुना जाए क्या ही है। इस समय मौसम देखिए तो ठंड का मौसम है, इस समय ऐसा ऐसा ठंड बढ़ती जा रही है और सोचिए कि ठंड के मौसम में हमारे जम्मू के युवा जो है वो सड़कों पर लेट रहे हैं, सोच लीजिए कि इस समय अगर ये परेशानियां और बढ़ी तो क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पुलिस की तो पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है, इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश में लगी हुई है पर अगर आपको बता दें सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बद से बदतर जरूर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन संभलने में नहीं आएगी जब तक बिजली जो है वो नहीं आएगी। और ये पूरा डिग्याना रोड पे बैठा है, शर्म आनी चाहिए।
जल्द से जल्द इसे बचा लो। और ये सारा डिग्याना ही है, डिग्याना कहाँ से लेके कहाँ तक बिजली, डिग्याना जो पुलिस पोस्ट आप देख रहे हो उसके आप इस तरफ देखोगे। और ये आप अगर कैमरा आप रोटेट करके देखो ये आपको लाइट नजर नहीं आ रही है। और अगर कोई बीमार होगा किसी को हेल्थ की दिक्कत है वो क्या करेगा, बिना लाइट बंदा क्या कर सकता है, खाना भी हराम है और जीना भी हराम है। और नौजवानों का रोष है, अभी ये बिल्कुल एक हद में रह के चल रहे हैं, ये ना हो कि इसका खामियाजा इनको करना पड़े। पढ़े लिखे नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान है तो आज इतना रोष है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन रैंक की बात और डिग्याना में जल्द से जल्द होगी उनमें परेशानियाँ और ज्यादा जो बढ़ जाएंगी। और इस तरीके से अगर आपको बताने की कोशिश करें तो लगातार जम्मू के लोग कभी भी सड़कों पर नहीं आते, ज्यादा परेशानियाँ हो जाए। सोचिए यहाँ वो हालत हो गई है कि सोचिए वो दिन था जिस दिन में यूटी बनने पर यहाँ पर ढोल बजाए गए थे, ये वही समय था जब यहाँ पर 370 हटने पर ढोल बजाए गए थे। आज सोचिए कि यहाँ पर इस बात को लेकर दीपक जी एक बात पूछना चाहेंगे, कुछ देर पहले 370 हटा और यहाँ पर यूटी बन गया तब काफी लोगों ने और जम्मू के लोगों ने ढोल बजाए थे। आज ऐसा समय आ गया है, ऐसा लग रहा है कि यूटी बनने पर हाय हाय हो रही है। देखिए जितने भी ग्रीवियंसेस पिछले कई दिनों से हमारे बिजली विभाग के लोगों के बने थे, प्रशासन को चाहिए था कि बड़े अमीर के सॉल्व किया जाए, परंतु ये प्रशासन उन अफसरों के बैठे हट है, अपने तानाशाही रवैया दिखाने का प्रयास है। आज सड़कों पर लोग हैं और ये पढ़ा लिखा युवक और मैं पेशे से वकील हूँ, यहाँ पेशे से इंजीनियर बैठे हैं, यहाँ आपको कोई भी अनपढ़ व्यक्ति नहीं दिखेगा। और पूरा दिन काम करके पसीना बहा के इस चढ़ती ठंड में भी शाम को घर आते हैं, फोन बैटरी डेड है, किसी रिश्तेदार का हालचाल पूछना है नहीं पूछ सकते। क्या हमारा अपने अधिकारों के लिए लड़ने का एकमात्र तरीका सड़क रह गया क्या? एजुकेशन जो है टोटली बच्चों की बंद हो गई है, सब प्रकार से लोग सफर कर रहे हैं, हर प्रकार से लोग सफर कर रहे हैं और सरकार की कोऑर्डिनेशन के कारण जो मिसकोऑर्डिनेशन है उस कारण से ये सारा इश्यू बना हुआ है और बार बार उसी मुद्दे के लिए लड़ना पड़ा, ठीक बात नहीं है। सेम उसी बात पर लड़ना, बार बार इस बात को अपने अधिकारों को लेकर लड़ना, ये सही बात नहीं है और ना ही लड़ना चाहते हैं। फिर सोचिए कि इस समय विडंबना ये है कि जब तक लड़ाई ना लड़ी जाए शायद यहाँ के लोगों के लिए किस्मत बन गई है कि लड़ाई लड़ लीजिए आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। क्या लगता है ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जहाँ जाकर बिजली पूरी होगी आज उन्हें जारी रहेगी, कल जारी रहेगी, परसों जारी रहेगी, जिनका मसला सारे कारोबार बंद हो गए थे ना, साढ़े अपने बंद हो गए थे, सारे कारोबार जिन्ना है सारा के लिए सारे बंद है, दुकानें बंद हो जाएगी, क्या करेंगे? और हमारे डिग्याना में जो है मिडिल क्लास लोग ज्यादा है जिनका सारा दावेदार दुकानदारी है। देखो हमारे हमारे मिडिल क्लास लोग रहते हैं डिग्याना में, सबकी दुकानों का काम है, इस टाइम सब दुकानदारी को काम क्या करेंगे, क्या करेंगे? आपको बता दें कि ये बात हो रही है कि अब पूरा का पूरा
जरा नेशनल हाईवे बंद कर दिया जाएगा। पहले ये था कि नेशनल हाईवे जो है, पहले एक तरफ नेशनल हाईवे बंद था, यानी कि आना जाना हो रहा था, आवागमन हो रहा था, पर अब आवागमन बिल्कुल ही बंद करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो अब तो आवागमन भी बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको दोबारा, जो लोग इस समय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, बताते चले कि बिल्कुल सामने की रोड डिग्याना की ओर निकलती है। यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल अगर आप बोलिए 50 मीटर की दूरी या 100 मीटर की दूरी पर पुलिस पोस्ट नहीं है। पुलिस पोस्ट में अगर कोई भी परेशानी इस समय रात को आती है, सोचिए कि वहाँ पर बिजली ही नहीं है। इसके आगे अगर बात करें या टर्न कर स्टेशनरी शॉप्स हैं, वहाँ पर भी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। सोचिए यहाँ के लोग किस तरह से जी रहे होंगे। लगातार हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा परेशानियाँ बढ़ रही हैं, बट अब वो परेशानियाँ इस लेवल पर आ गई हैं कि रोड्स बंद हो रही हैं, नेशनल हाईवेज बंद हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भैया अब तो बात सुननी होगी, नहीं तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। हाँ, हम लोग ठंड से ज़रूर ठठरते रहेंगे, पर हम परेशानियाँ अब और सहन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, देख लीजिए ये आने का रूट है, बट यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर बिजली गुल है। ऐसा लग रहा है कि मीटर तो चल रहा है पर बिजली जो है वो गुल हुई पड़ी है, और कुछ ऐसा ही हाल दोबारा यहाँ पर भी आपको बोले यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ये आक्रोश ही है जो इस समय सामने नज़र आ रहा है, और परेशानियाँ लगातार बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है। अगर हमारी कल तक आज शाम तक लहर नहीं आई, हम कल फिर रोड जाम करेंगे, आज ही करेंगे। क्या करेंगे अगर रात तक हमारी लहर नहीं आई डिगाना बोली में, हम पूरा रोड ब्लॉक करेंगे। और लग रहा है कि रोड ब्लॉक करने से कोई फायदा होगा? हमारी छोटे छोटे बच्चे घर पे बैठे हैं, छोटे अगर लाइट बंद करने से इनको जो इनकी डिमांड कब्रिस्तान में पहुंचा दो, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, जो पेशेंट्स घर पे बैठे हुए हैं, जिनको नोबलाइजर, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो विदाउट पावर नहीं होती। और साथ में जब आप मुझे बताइए, अगर हमारे बच्चों को पढ़ाई, शिक्षा, कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं मिलेगी, तो मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में रहने का फ़ायदा किसको है? और हम लोग यहाँ पे बुजुर्ग जितने बीमार हैं, मुझे बताइए जब उनको पावर की वजह से गर्म पानी, हीटर या कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं होगी, तो मुझे बताइए हम किस चीज़ का छियाली नंबर वार्ड च काठमांडू भी चार बड़ी गलियां ने जिंदे च लाइट नहीं है। पैंताली नंबर च कंसर्न कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा एडमिनिस्ट्रेशन ने आना, तहसीलदार बैठे थे,
आहे वेट करने क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लोग स्ट्राइक ऊपर है सब सारे नहीं पता लेकिन सारा कंसर्न है लोग जनाना एडमिनिस्ट्रेशन की भैया टिकाने लोग परेशान है कि टिकाना में भी दिक्कत है मेटम है कि जी सारे भी लाइट आ दी ना सारे भी लाइट स्टोर की है थोड़ा जड़े ही चीज है ना अच्छा कॉन्फ्रेंस ग्रुप प्रॉपर चैनल ऊपर पे जाएगी इतने तक लाइट आई थी फीड लगा नहीं फीड पहुंच गई है नहीं फीड तो पहुंच गई है फीड तो पहुंच गई है अगर लाइट नहीं आई सारे नहीं आए हैं अगर लाइट कल नहीं आई आज भी नहीं आई पूरा रोड बंद आएगा कल पूरा हाईवे जो होगा ना तो सारी दस बंदी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इस बात को संभालने की कोशिश जो है वो जरूर की गई है यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर थोड़ी देर में सर क्या कहा गया है कब तक लगता है ये फीडर में लाइट पहुंच चुकी है हम लोग भी समझते हैं कि पीटीडी एम्प्लॉयज की स्ट्राइक है उस कारण से परेशानी है लेकिन लोगों को आम लोगों को सफर ना करना पड़े कंसर्निंग अथॉरिटीज का ये कहना है कि आज रात को जो है सारे जम्मू में बिजली जिस प्रकार से अलग अलग एरियाज में रिस्टोर की गई है पूरे जम्मू में बिजली जहाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी रिस्टोर की जाएगी एक नंबर हमने अल्टीमेटम ये दिया है कि यदि इलेक्ट्रिसिटी आज नॉर्मली रिस्टोर नहीं होती है तो आज एक तरफ का हमने सड़क बंद किया कल सारे लोगों से कल सभी लोगों का आज आप देखते हैं यहाँ पे हर पार्टी के लोग हैं और एक डिग्याना ने यूनिफाइड तरीके से प्रोटेस्ट किया है अगर इस प्रकार के अगर हमें सिर्फ ये कहते ना लॉलीपॉप दिए गए तो आज एक सड़क बंद थी कल दिन दोपहर को पूरी सड़क बंद और कल एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुलिस रिस्पांसिबल होगी कंसर्निंग पुलिस वहां पे भी अगर लाइट बंद है जैसे डिग्याना कैंप पर ठुंजा नंबर या आगे पीछे ठुंजा नंबर 46 नंबर 45 नंबर ठुंजा नंबर हर एक जगह लाइट बंद है हम सारी जनता भी बोलो नानक नगर भी लोग रोड पे बैठे कल वो पूरी रात बैठे रहे आपको पता है ठीक है हमारा कोई शोर शराबा हमारा मकसद नहीं है हमारा ये मकसद है ये जो भाई ने एक उठाया एक स्टेप की हमने कहा कि हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और हमें लगता है और पहुंचे कंसर्न में एसएचओ गांधीनगर जो आए और उन्होंने हमें अशोर किया कि डेफिनेटली आपकी बात हमारा एक अंत में एक लाइन बोल के मैं बात खत्म करूंगा और हम सबका धन्यवाद करेंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं सारी कोशिश ये है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए तस्वीर बदलेगी या नहीं बात हो गई या नहीं बात क्या वहीं रुक जाएगी या आगे बढ़ेगी या नहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा ये जो रोड बंद की गई थी हाईवे बंद किया गया था इसको खत्म करने की कोशिश जरूर की गई है पर हाँ कितनी देर तक इस चीज को मद्देनजर रखा जाएगा इनकी बात को सुना समझा जाएगा अब ये सवाल या निशान जरूर बन जाएगा क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग जगहों से फोन आने शुरू हो गए हैं कि सिर्फ डिग्याना की यह हालत नहीं है इसके अलावा और भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर परेशानियां बढ़ रही हैं कृपया करके आप वहां पर भी आइए हमें अगर जहां जहां से कॉल आता जाएगा हम आपके सामने हाजिर होते जाएंगे आपको ये बताने के लिए कि आम जनता कितनी परेशान है अगर आपको लगता है कि आपके वहां पर भी परेशानी है और आपको लगता है कि आवाज़ उठाने से बात बन सकती है तो जम्मू परिवर्तन आपके साथ है आपको लगता है आप मैसेज डाल कर या कॉल नंबर दिए हुए उस पर भी कॉल कर हमें ज़रूर बता सकते हैं।
बने रहिए जमहूरी वर्तन के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।